पीजीटी मैथमेटिक्स लिए कमेंट वीडियो नंबर 4 में हम केवीएस के बारे में बता रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें पहले टाइम में सन 2008-09 तक जो पैटर्न चलता था उसमें एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते थे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हिंदी एंड इंग्लिश जो आता था ये 1 घंटे का होता था, आधा आधा घंटे के लिए हिंदी एंड इंग्लिश में, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा लिखना भी होता था, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, पैराग्राफ भी था होता था हिंदी इंग्लिश में, और जनरली शॉर्ट क्वेश्चन भी होते थे और राइटिंग के भी होते थे। हिंदी इंग्लिश राइटिंग केवल क्वालिफाइंग के लिए होता, सब्जेक्ट को टीचर्स को हिंदी भी आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में जहाँ जहाँ अलग अलग स्टेट में भेजा जा सकता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। उसके बाद था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट के आते थे, ये 2 घंटे का होता था तुरंत पेपर, 1 घंटे का ये तुरंत करा के फिर ये कराते थे, इन दोनों मिक्सिंग 3 घंटा होता था। पहला पेपर माना जाता था, इसमें केवल 5 मिनट का गैप देते थे, दूसरा पेपर तुरंत बांट देते थे 2 घंटे के लिए। ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते थे। अब क्या कर दिया इन्होंने, प्री एग्जाम कर दिया है। प्री एग्जाम में ये सब 3 घंटे का टोटल एक साथ करा देते हैं, हिंदी इंग्लिश और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट के एक साथ रख देते हैं, वो प्री एग्जाम होता जाता है। प्री एग्जाम में मतलब प्री एग्जाम में आएगा तो वही, पहले क्या होता था प्री एग्जाम यानी फर्स्ट पेपर जो होता था केवल क्वालिफाइंग पेपर माना जाता था, उसको केवल क्वालिफाइंग कर लेते थे, तो सेकंड पेपर चेक होता था नहीं, सेकंड पेपर चेक ही नहीं होता था। अब क्या हो गया कि प्री पेपर के भी मार्किंग ऐड होने लग गया है, यानी कि फर्स्ट पेपर जो होता है इसके भी पेपर मार्किंग ऐड होने लग गया है, और सेकंड पेपर तो होता ही डिस्क्रिप्टिव टाइप है। मेन एग्जाम जो होता है पेपर नंबर सेकंड, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क का होता है ये, और इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, नहीं 120 120 का होता है, ये लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 8 8 नंबर का होता है, इस तरह से कुछ होता है, ए बी पार्ट में आया करते हैं। कुछ छूट इसमें कुछ ज़्यादा होती है, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए हैं या 3 क्वेश्चन दिए हैं उनमें से एक करना है, इस तरह से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसे दिल्ली वाले में भी काफ़ी क्वेश्चनों की छूट दी जाती है। मेन एग्जाम में जो मेन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं करने वाले के लिए, अगर जिसने ठीक से मैथ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था वो हो जाता है। अब इसमें कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है, प्री के भी मार्किंग और मेन के भी दोनों को ऐड होकर मेरिट बनेगा। पहले इसको केवल क्वालिफाइंग कर लेते थे और ये सॉल्व करने वाला लगभग हो ही जाता था पूरा पूरा, तो उस पर डिपेंड करता था।